काहे जो? हम पूछ रहे काहे जो? कैट कैट काहे बे, तू सारे छठवीं की मतलब परीक्षा में इतने घटिया तरीके से फेल भाओ? जई के लाने सारे इतने महंगे वाले स्कूलन में भेज रहे, पैसा खर्च कर रहे, छाती मार रहे। अरे हफुआ, उसे का डांट रहे है? डांटनो है तो अपनी बीवी को डांट। जा में हमारी क्या गलती है अम्मा? तेरी गलती ना है तो और किसकी गलती है? अरे तूने बच्चन पे थोड़ा भी ध्यान दिया होता ना। कौन ने कहा अम्मा हमने ध्यान ना दो? सवेरे से उठ के यही करते हैं अम्मा, कोई को टिफिन बना रहे, कोई को खाना दे रहे, कोई कपड़े धो रहे, कोई को स्कूल छोड़ रहे। और का तुझे काम तो एक आया भी करती है। अच्छा तो एक काम करो अम्मा, अपने लल्ला से कह दो धल ले एक आया। देख उल्टी बात कर रही है। जाम में हमने कौन सी उल्टी बात कह दी अम्मा? हाँ सुबह से शाम तक हम यहाँ पे सांस नहीं ले पाते। हाँ बच्चन का काम नहीं जो बच्चों को संभालना। तो क्यों किए इतने बच्चे पैदा? जाम में हमारी अकेले की गलती है, ये बैठे जिम्मेदार। अरे ओ महाराज, अरे दादा तुम जो बच्चा बैठी है तुम कराए तो फैला रही जो। आज तो रहता फैले, सबके सामने फैले आज तो। अपनी गलती छिपाने के लिए हमारे हफुआ पे चढ़ने की कोशिश मत कर। और एक बात ध्यान से सुन ले, बच्चन की पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है। और बाप को काम है सिर्फ पैदा करने। तू इकलौती माँ ना बनी जा दुनिया में, हम भी माँ हैं, हमारे पांच पांच बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों के पालने पोसने से लेकर पढ़ाई लिखाई को ध्यान रखो है। जे परिणाम देखो तुम्हारे सामने बैठो है। हमारी मार कुटाई ने जाको दरोगा बना दो। बता हुआ सबको सुबह सुबह कितने बजे जगाते थे हम तो को? 4 बजे सुबह। हमें सबने टॉप करो, जिंदगी में घटिया नंबर सारे हमने जाने नहीं है, हमने देखो ही ना है कि कम नंबर होते कैसे हैं। सारू घर हम शीलन से और ट्रॉफियन से भरो रहते तो दादी तुम्हारी सारे पगले आ जाती थी। धरे तो कहाँ धरे, सब संभालना बनती थी। और तू सच्ची में, और जब जे टॉप करके आते थे ना, हम एक नहीं 10-10 किलो मिठाई बटवाते थे पूरे मोहल्ले में। और छठी में तो छठी में एक नहीं पूरे 5 गांव में टॉप नंबर आए थे। और आज इस छोरों ने नाक कटवा के रख दी। अरे नाक तो पूरी ससुर कटाई गई है, बाप रहो टॉपर, लौंडा लौंडा गोबर। अरे अरे कमलेश भैया, मुझे और इतने को स्कूल छोड़ दो। सॉरी किड्स, टुडे आई एम लेट। कम। अच्छा इतनी देर से खड़ा अंग्रेजी में पंचायत कर रहा था तब लेट ना हुआ? कम ऑन किड्स। Wait, cat. Don't get upset. I'm coming soon. Come fast. Come fast. Coming now. और सुन, ढंग से चलाइए बाइक, हमारे एक आध बच्चा टपक ना जाए। ओके अंकल। आओ आओ। चल। बाय पापा। बाय कमलेश। चलो 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 चलो। बैग दो। बाय दादी। हप्पू सिंह। अरे मम्मी ये देखो, ये पापा का छठवी का रिजल्ट है, ये देखो। क्या बोल रहे? हाँ ये देखो पापा को रिजल्ट। हाँ देख के बताइए कितने नंबर से पास। दुख होगा कि आपके पति पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो अंडा है, जीरो अंडा। क्या बोल रहे जे? अरे फेल हो गए सारे सब्जेक्ट में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश मैथ
सारे में ये देखो 5, 8, 10, 9 देखो संस्कृत में तो 5 है 5। हाय बपैया, ये तो सही बोल रहे हो, 3, 5, 8। अच्छा तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे, इतना लंबो लेक्चर सुनाए दो हमें अपनी अम्मा के सामने। पर इनकी अम्मा फूले ना समाए रही थी कि हमारे लल्ला ने टॉप करो है, और हकीकत तो जा है। मम्मी और पापा तो एक नंबर का झूठा से, मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे, फिर देख इसकी अक्कल ठिकाने आ जावेगी। तुम अपना काम करो, आओ। इनको घुटना तब हम फोड़े हैं। इस सिचुएशन पर थारे मुंह से कोई विशेष गाना? ऐसो कछु नहीं है अम्मा, बल्कि तुम्हारे पापा क्लास में सबसे लद्दड़ हते। ये का बकवास कर रही है बहू तू? अरे जी हम नहीं कह रहे, जे तुम्हारे सपूत को छठी को रिजल्ट कह रहे हो, जे देख ले हो। देखो का कह रहे हो रिजल्ट? क्या मैं तो हपुआ के 28% आए हैंगे? हैगी तसल्ली? अम्मा रिजल्ट देख के एक बात तो साफ हो ही गई कि हप्पू सिंह पढ़ाई में लद्दड़ हते, और तुमने अपने लल्ला की सिर्फ लुल्लू पच्चो करी है, पढ़ाई में जरा भी ध्यान न दो। 28% अम्मा, बड़े शर्म की बात है जी। और तुम पढ़ाई नहीं करने तुम्हें? हाँ पापा की तरह बने आपने, चलो ते पढ़ाई करो, पापा जैसी ना बनियो, चलो। हम ये सोच रहे थे कि अबे राजेश ने तो पूरी कसर निकाल ली, खरी खोटी सुना ली। अम्मा अम्मा ने कैसे फोन ना करो अब तक, और आ गाओ ससुर। हेलो अम्मा, अम्मा राम राम। राम राम के बच्चे, तू एक ना एक दिन अपनी अम्मा को राम नाम सत करके छोड़ोगे। अम्मा जी कैसी बातें कर रही तुम, कब बोल रही हो? नास पीटे, पहले तू जे बता कि तेरे छठी में कितने नंबर आए हैं? अरे अम्मा सुनो, अब इतने साल हो गए, ससुर का पता कितने आए थे? झूठ मत बोल नास पीटे, वरना फोन में घुस के मारेंगे। तू छठी में बुरी तरह फेल भाव है। अरे अम्मा ऐसो का छुना है, कैसी बातें कर रही? ज्यादा बकर बकर मत कर, तेरो रिपोर्ट कार्ड पुराने बक्से से निकला हुआ है, और तेरे चक्कर में तेरी लुगाई सुना के गई है हमें। ना ना अम्मा, असल में वो हमारे चक्कर में नहीं, वो कबाड़ खाने के चक्कर में। कौन सा कबाड़ खानो? अरे वही कबाड़ खानो जो तुम्हारे बक्सा में पूरा बंद है को। हम कब से कह रहे हैं कि वो कबाड़ा निकालो, बेच दो ससुर के, निपटा दियो, तुमने ना निपटाओ। तो को तो पूरा घर कबाड़ खानो लगता है, पूरा घर बेच दे ससुर बता। अरे अम्मा, जे तुम्हारे कबाड़ खाने के चक्कर में हमारी जिंदगी कबाड़ा हो गई, ना जो सारू कबाड़े खट्टो हो तो घर में, ना जो हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलतो, ना हमारी जिंदगी चौपट होती। तेरे झूठ के चक्कर में तेरी लुगाई ने नींबू निचोड़ रखे। तू घर आ जा बेटा, हम जम के नींबू निचोड़ेंगे। अरे अम्मा और कितने निचोड़ोगी? ना ना बताओ कितने निचोड़ोगी, हमारे तो ससुर पहले से निचोड़े भाई हैं। का बोलो रे? कछु ना बोल रहे, हम जो कह रहे हम तुरंत घरे आ रहे। और अम्मा सुनो, तुम्हारे लाने बढ़िया सी रबड़ी ले आ रहे, रबड़ी। बार रबड़ी में थोड़ो सो जहर मिलाई दे हो कम बखत।
हेलो हेलो, अरे ये तो देख, आओ हम बढ़िया सो पैक बना हमारे कपड़ा बदल के, ठीक है? तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? अरे यार स्कूटर आवाज करतो है, ससुर ते ले आती तो राजेश को पता चल जातो कि हम तेरे घर में आ रहे टिकाने, तो हमने मोहल्ला में दूर खड़ो कर दो, ठीक है? हाँ आ जाओ बना 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 राजेश को पता चल जाए। बना बना पड़ गया सो। अरे दादा राजेश कहाँ छुपा रहे हो यार? क्या बताएं, घर में ना एक कांड हो गया है। का कांड हो गया? मतलब पता नहीं सारू राजेश के हाथ में ना कहाँ से हमारे छठवीं क्लास को रिजल्ट हाथ लग गयो असली वालों। समझ गए, इसका मतलब ये है गुरु कि छठी का रिजल्ट जो है तुम्हारा बहुत ही घटिया रहा होगा। हैं घटिया? अरे यार पूछो ना, इतनो घटिया हाथों ससुर रिजल्ट हमाओ कि जब मास साहब आती ना भूदेव स्कूल में, उनने हमाओ जब ऐसा रिजल्ट देखो तो पता कब आओ हमें कुत्तन की तरह लात मार के स्कूल से बाहर निकाल दो। अबे कब हुआ ये तो हमको पता है ना। तुम्हें कहाँ से पता हुए? तुम तो हमारे साथ में आठवीं से ज्वाइन करी थी ना। मतलब ये है कि तुमने झूठ बोल के राजेश को धोखा दिया है? तभी तो इंतजार में है कब घरे घुसे और हमारा खून पी जाए। अच्छा तुम्हें पता, पहले तो माने हमें फोन करू और खूब खूब छिली छिली सुनाई तो बाद में पता क्या कह रही, आओ तुम कह रही आओ घरे तो आओ सारे, बस घरे पहुंचते नहीं हमारी गुर्दा फोड़ देगी। अब क्या करोगे गुरु? क्या करेंगे का? तुम्हारे साथ बैठ के टिकाएंगे और रात में तुम्हारे घर में टिकेंगे। अरे लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना घर में। अरे यार आगे की आगे देखी जाएगी ना, आज रात तो छुपन दे। कोई फायदा नहीं है पापा। मम्मी और दादी को पता है कि आप यहाँ हो। अरे दादा तुम कह रो रहे तो आज कहाँ होएगा? ओ नहीं नहीं नहीं, अरे रो रहा हूँ जो, अरे भूखो हुए दूध पिलाओ जाको। हमें हमारो काम ना सिखाओ समझे, अपनो काम पे ध्यान दो। तुम अपनो अपनो काम को क्या मतलब यार? और सुनो तुम्हें ऐसा काई लगतू है कि हम ससुर अपने ही काम पे ध्यान देती हैं? हम तो तुम पे भी ध्यान देते हैं। अब ज्यादा घी ना लगाओ, तुम्हारी सारी पोल खुल गई है। अरे अरे सुनो सुनो, तो अब जी टाइम पे तुम कौन सी बातें लेके बैठ गई? सुबह होगी सारू फिर ड्यूटी पे भग जाने, तनक जा टाइम पे प्यार मोहब्बत की बातें करो ना। प्यार मोहब्बत की बातें गई घुइया के खेत में समझे, तुम पे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि लात घूसा की बातें करे तुम पे। हैं इतना गुस्सा का यार? अबे तुमने हमारा गुस्सा देखो का है? गुस्सा तो तुम्हें हम अब दिखाए हैं। अरे काओ है गो अरे गुस्सा गुस्सा, अरे तो लेकिन गुस्सा काय दिखाओगी तुम जो बताओ पहले हमें? हमने तो मौका बिगाड़ो। हमने का बिगाड़ो? हां तुम्हारी वजह से अम्मा खरी खोटी सुनाई गई हमें। अब यार इतने साल से रह रही अम्मा को जानती हो ना तुम, तिल को ताड़ बनाने की याद आते हैं, उनको छोड़ो ना यार। जे बात के जिम्मेदार भी तुम ही हो। और तुम कहाँ बोल रहे थे सुबह? हमने टॉप करो है, लंबो चौड़ो लेक्चर दे दो हमें कि हम रणबीर को ढंग से नहीं पढ़ा लो, और जब खुद की पोल खुली तो समझ में आओ कि रणबीर से भी गए गुजरे हैं जे पढ़ाई में। अरे सुनो यार तुम, अरे वैसे तो हम नंबर वन रहे लेकिन बट टाइम पे कहा तू कि परीक्षा के टाइम पे हमारी तबीयत गड़बड़ा गई थी, सुहाओ को कहा। झूठ बोल रहे हो तुम समझे, कोई तबीयत खराब ना थी तुम्हारी, तुम्हारी अम्मा की ना आदत ही है तुम्हारी गलतियों पे झूठ की चादर डालन की। ना ऐसा बिल्कुल ना है, तुम गलत समझ रही। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अब तुम्हें हम दिखाएं कि पढ़ाई में को तेज है, तुम की रणबीर पकड़ो जाए। अरे हाओ हाओ आ जाओ आ जाओ हटो ते। अरे सुनो अरे जा, आजकल बड़ी कटखनी हो गई है। अरे यार अब जाने अपने रंग सुना दे, क्या कर रहा हो जो। अपनो अपनो ही हो तो है। ऋतिक जे बॉल पकड़ो अपनी। हाँ मम्मी। ले आओ ले आओ। अरे यार चाय ले आने में इतनी देर,
बना रही थी कि उगा रही थी? ये दांत ना निकालो, मुंह में मक्खी घुस जाए, ठीक है? हमारे 10 हाथ पैर नहीं है और इतनी जल्दी है तो रोबोट से कर ले शादी। अम्मा ये तुम्हारी कम चीनी वाली। कहे बेनी चाय नहीं पियो का? अरे रे और काय लिए यहाँ खड़े हैं तब से लाइन में, हम भी पियेंगे। एक भी चीनी को दाना ना डालो लुच्ची ने। अरे शुगर है तुम्हें, शुगर शुगर। राजेश तुम चाय में क्या डालती हो? कहे मतलब दो चुस्की लेते ही एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाओ हाओ बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात कह दी तुमने। हमारी राजेश की मतलब हाथ की कोई चाय पी ले तो सचमुच में मतलब दिमाग की खिड़की खुल जाती है बिल्कुल। नहीं नहीं ये ज्यादा हो गया अप्पू। कहना कि दिमाग की खिड़कियां जो है बिमलेश की चाय पीने से होती है। हाँ हम इतनी देर से यही सोच रहे हैं कि जा कमीने की जुबान पे बिमलेश को नाम क्यों ना आओ अभी तक। अरे अम्मा ये सब छोड़ो, तुम तो अपने लल्ला से पूछो अबे टेस्ट के लिए तैयार है कि नहीं। वो तो हम कह रहे थे अबे इतने सब लोग हैं तो सब मिलके टेस्ट की तारीख तय कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हाओ हाओ तैयार हो? बिल्कुल तैयार, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तुम मना करो नहीं सकत हो, समझ में आई? अच्छा अब बात ये सोचनी है कि पेपर कौन बनाएगा? दादी मैं बनाऊंगी टेस्ट का पेपर। हाँ ये सही है, चमची बनाएगी, शाबाश। तू बनाएगी टेस्ट का पेपर? तुझे कुछ आता भी है? बट बड़ा है बोलने वाला। तुझे कुछ आता है? बहुत। चुप हो जाओ, लड़ाई मत करो। अम्मा हमारी मलाइका बनाई है पेपर। हमें कोई इतराज ना है, मलाइका बना ले पेपर, ठीक है ना अप्पू? हाँ सबा। ले दादी यो पेपर शेपर मैंने बनाना ना आता से, लेकिन हाँ पेपर के दौरान अगर कोई चीटिंग करता से तो उसके गुर्दे फोड़ना मैंने जरूर आवे से। ये लड़की सही है, इसे ठीक से पता है कि इसका जॉब क्या है। बहुत बढ़िया शाबाश। अरे तो पेपर फिर बनाएगो कौन? पेपर हमारी केट बनाए। क्या बिटिया? इंग्लिश पेपर है? ना 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 इंग्लिश इंग्लिश में नहीं, लड़का छोटो है यार, ऐसे थोड़ी बराबरी, हिंदी में बना, आसान बना थोड़ी। तुम ना अपनी चिंता करो हमारे लल्ला की नहीं। फादर डोंट वरी, Me making easy paper for you. ए लड़की, आसान नहीं कठिन से कठिन पेपर होने चाहिए। हम तो देखें टॉपर सिंह में कितो दम है। एवरीवन हाय, कैट हाय। हाय कमलेश। कमलेश जी कहाँ हाय हाय डालते रहते हो हमेशा तू? अम्मा नमस्ते। जीते रहो, सुब सुब भी बोला कर। Kamlesh, why you coming late? You know all tea get finished. But don't worry, me making fresh tea for you tomorrow morning. Oh, it's okay, cat. Morning, I take spicy milk. का मतलब? दूध में मतलब मिर्चा डाल के पीतो है का? No, no, I mean to say मसाले वारो मिल्क। कौन सो गरम मसालो? Now you flying my joke, right? Father is flying joke everybody. She is very funny. आओ आओ, ओ ऐसे हुए ना हमारे बच्चन को स्कूल छोड़िया फटाफट। ओके कम ऑन किड्स, कम फास्ट, आई टेक यू इन द स्कूल। बाय दादी। बाय बेटा। बाय पापा। बाय मम्मी। बाय पापा। कम फास्ट। बाय बाय कमलेश। बाय एवरीवन। चल बापू मैं भी जा रही हूँ। ओ खच खच तो फोटोग्राफी चल रही है, मलाइका के साथ स्कूल जा। अरे तेरी वजह से चल रहा है जो सब राय तो फेल हो है। ड्यूटी छोड़ के तो परीक्षा की तैयारी करने पड़ रही है 6 क्लास की। ब्रदर गिव मी फोन। चलो गुरु अप्पू तुम भी है ना फटाफट थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लियो, कहा कि तुम भी ना फेल ना हो जाओ कहीं। बाकी मत बेनी
हमारा हपुआ जरूर जीतेगा, नहीं तो हम नींबू निचोड़ देंगे। अम्मा जे तो वक्त ही बताइए। अम्मा कहूं सच में फेल ना हो जाए ससुर। खा ली ससुर सब ढूंढ ले। अरे यार थोड़ी टेंशन चल रही है, दिमाग सुनने पड़ेगा हुआ है, कम से कम कछु तो बता। एक तरफ बीबी एक तरफ अम्मा, समझ ना आ रही, दिमाग काम ना कर रहा हूँ यार। देखो गुरु, यही सिचुएशन एक बार अश्वत्थामा के समक्ष आ खड़ी थी। एक तरफ पांडव तो एक तरफ कौरव, और वो ये फैसला नहीं ले पा रहा था कि यार तू तो हम कछु भी बोले तो बीच में महाभारत घुसेड़ रहा हूँ। आधो दिमाग तेरो बिमलेश ने खराब करो, आधो महाभारत कर देगी। हम कछु पूछ रहे हैं वो तो बता, टेस्ट टेस्ट को क्या करें, टेस्ट कैसे पास करें, अब जाओ ड्यूटी करें के टेस्ट ने बताओ। देखो गुरु, सीधे सीधे कहें तो ये पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, इसलिए हमारी बात मान लो और तुम जो है चीटिंग कर लो। चीटिंग कर ले मतलब का है? यही एक रास्ता है। और वैसे पहले भी तो तुम यही करते आए हो, जब एग्जाम होता था तो सामने वाले की या तो तुम टीपते थे या तो फिर वो अपने वो फर्रे निकालते थे, याद है? ठीक है ना, काय बता रहा हूँ बार बार। सही कह रहा हूँ, हमें भी ऐसा लग रहा है ऐसे ही कछु करने पड़ेगो। कार्य हपुआ, तुझे फालतू खोर के साथ बैठ के पी रहो है, हैं? और टेस्ट की तैयारी तुम्हारे पिताजी करेंगे? अरे नाना जग रही का तोते। का हो रहो? गुइया छील ले। आज बड़ी गुस्सा हूं का बात है? नहीं तुम हमारे जगह बच्चन को संभाल के दिखाओ तो समझ में आई है। एक मिनट। अरे तुम, अरे कछु ना कर रही, तुम्हें लग रहा हूँ हर बार तुम्हारे लाने कछु ले आई, पाना खा रहे। सुनो हम का कह रहे, वाह हम जो कह रहे कि ससुर बच्चन की अम्मा ना सही, कम से कम पापा तो है उनके। बाप बनने बड़ो आसान है, हा? जो मूछन पिताओ दे के निकल जाता ना, अरे हालत खराब हो जाता हमारे बच्चन को संभालत संभालत, और ऊपर से एक और नॉर्मल पैदा ना करे तुमने, सबके सब अतरंगी पैदा करे हैं। यार, वो तो है। हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहे हैं। बको। हम जो कह रहे हैं यार कि देखो, अम्मा बूढ़ी हो गई हैं। बूढ़ी हो गई तो कहे क्या, बुजुर्गों की ना, तो बुजुर्ग हो गई ना, उनको दिल ना तोड़ना चाहिए। जे लाग लपेट करके बातें ना बनाओ, समझे? बोलो सीधे सीधे का बोलने। सीधो सीधो हम जो कह रहे हैं कि देखो, जो अम्मा ने चैलेंज करो है ना, हम चाह रहे हैं कि वो चैलेंज को जीत जाने दो, उनको बड़ी खुशी होगी अम्मा को। होगी तुम्हारी पंचायत, हाँ? और एक बात ना कान में तेल डाल के जान ले हो, जे चैलेंज तो हो के रही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पकड़ो जाए, पिलाओ दूध। अरे भाग गई। अरे दादा, अरे अरे जो का कर दो, ऊपर से पी रहे नीचे से धार मार रहे। मैंने चेक करना था कि तारे पास कोई पर्ची वर्ची तो ना है। हमारी तलाशी लेगी हम? बताओ, हमारी तलाशी लेगी क्या? भाई देख, जय तुम्हारी ड्यूटी से। चल जूते भी उतार।
तने बिल्कुल भी ढील ना देने वाली मैं इस एग्जाम में। उतार। बताओ ससुर, अब जी दिन आ गई है अपने ही घर में ससुर खुद तलाशी दे रहे हैं दरोगा होके हैं। ले मारो, ले ले फस। चला तो ऊपर कर। देख रही कैसे बात कर रही, बिटिया बाप की तलाशी लेगी मतलब हम यही किलाने हैं पालूपू सुसारन के। ऐसा है बापू, जिस घर में थारा जैसा भ्रष्ट पुलिस वाला और मारी जैसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होती है ना, जे घर में ऐसा ही होता है। गुज्जा अंदर गुज्जा। अरे अरे भरी है बा। चल खुश। मांगिए 500 रुपये। ससुर ये भगवान ये सारी कैसी दिन आ गए अपने घर में पेपर देने पड़ रहे। फादर एंड ब्रदर, नाउ यू राइटिंग योर नेम एंड योर फादर्स नेम ऑन द आंसर सीट। ओके भगवान, या संकट की घड़ी में बस कृपा कर दो। कसम से कह रहे पूरे दिन की निछावर जितनी होगी भूखे भिखारियों में खिला देंगे। बेस्ट ऑफ लक पापा। थैंक यू, बड़ी पॉजिटिव बच्ची है। बेस्ट ऑफ लक भैया। शुक्रिया बहन। फादर एंड ब्रदर, योर एग्जाम विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आई थिंक your exam finish in 5 minutes because very hard question paper and you get also 0 anda jo ete ka kar raho hai father he making question paper with me to jo upar se ka aa raha ho te kamra se question paper is very hard and me and kamlesh doing it together so that is why kamlesh and me wanting private time and room aisu hai baap hai hum tumhai jitu jo exam ke chakkar mein jo mamla chal raha ho na sab हमें सब समझ में आ रहा है। Father, people who having glass houses not throwing stone on other people houses। क्या कह रही गिटर पिटर? जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर। हाँ हाँ ठीक है समझ गई। फालतू को बोल रही। And now you acting like a good student praying to God, 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 please save me and all, do practicing। अरे दादा, ये बेनी की गोलियां भी अपनों काम करने वाली हैं, बस एग्जाम शुरू होने से पहले प्रेशर बन जाए। नाउ काउंटिंग डाउन इज स्टार्टिंग। 5, 4, 3। जा एग्जाम ना होगो। भाई अम्मा, हमने जान लगा के पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, ससुर एग्जाम ना होगो। हमने और बहू ने मिलके फैसलों किया है कि आज से हम और बहू आपस में ना उलझ के बच्चन की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हमने और अम्मा ने ये फैसला करो है कि हम दोनों मिलके बच्चन को पढ़ाएंगे। जो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के। अरे दादा, पेट में ऐसा लग रहा हुआ कोई फुटबॉल खेल रहा हुआ लेकिन बेचारो गोल ना कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम जे नाक का सुकोड़ रहे। नाक मा कछु ना सुकोड़ रहे, अजीब सी फीलिंग आई, खुशी संभाल ना पा रहे। और हपुआ, जे तुमाओ भी फर्ज है गो कि तुम भी बच्चन की पढ़ाई पे ध्यान दो। आई थिंक अंकल वॉन्ट्स लूज वेट, हल्का होना चाह रहे हैं। वेरी फनी गाय। अम्मा लेकिन इनको कब आओ? अभी अभी तो ठीक आते। अरे दादा, है गो अपुआ। ना ना अम्मा, कछु ना भाव ऐसो, बस तनक सी पेट में ऐसी गुड़गुड़ भाई,
अब बिल्कुल सही है, चकाचक है। चलो, और रणबीर तुम भी कान खोल के सुन लियो कि आज से तुम गाना कम गाओगे और पढ़ाई ज्यादा करोगे, समझे? जी दादी, पढ़ाई करूंगो। अरे यार, ले, फिर गाओ। अरे ये कैसी गुड़गुड़ हो रही है जाके पेट में? अरे चाची, हप्पू को कुछ नहीं हुआ है, बस उसने जो है लूज मोशन वाली गोलियां खा ली है। अरे दादा, कमलेश, हाथ दे दी बेटा। यस यस, कमिंग सून। आराम से, आराम से। अरे अरे अंकल, अरे अंकल, स्टिंकिंग गाय। नींबू निचोड़ गए हो इसका। अरे पर लेकिन खाई कहे? अरे वो इस चक्कर में, ताकि ये एग्जाम के चक्कर से बच जाए वो। अरे दादा, अरे बेनी, सारे आइडिया भी तो तेरो ही है तो जो। अच्छा, तो हमारे घर पे कौन आया था आइडिया लेने? जो खा ले वो खा ले, देख रहा हूँ आइडिया के चक्कर में क्या हालत हो गई हमारी। लो, अरे अब ना हो रो। अरे जी, आइडिया लेने भी यही आया था घर में हमारे। हाँ, वकील है, वकील का आइडिया थोड़ा पेचीदा तो होगा ही। अपनो अपनो ही हो तो है।